2014 फरारी कार के फाउंडर एंजो फरारी ने एक बार फेरुकियो नाम के एक शख्स को काफी ज्यादा बेइज्जत करते हुए कहा था कि तुम एक ट्रैक्टर तो चला सकते हो लेकिन तुम एक फरारी कार को कभी नहीं संभाल सकते। एंजो फरारी की ये बात सुनकर फेरुचियो को काफी गहरी ठेस पहुंची, जिसके बाद उन्होंने अपने ही तरीके से एंजो फरारी से बदला लेने का फैसला किया। इस घटना के बाद फेरुचियो ने फरारी से भी बेहतर कार बनाने की ठान ली और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कौन सी कार बनाई? वेल, फेरुचियो का पूरा नाम था फेरुचियो लैम्बोर्गिनी और उनके द्वारा बनाई गई परफेक्ट कार लैम्बोर्गिनी थी।